नमस्कार, अमेजिंग किसान के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। किसान साथियों, अभी मैंने आपको दो वीडियो दिखाई थी नींबू पर, और उन वीडियो में मैंने ये बताया था कि इस समय जो फ्लावर आ रहे हैं और जो नए पत्ते आ रहे हैं उनकी सुरक्षा किस प्रकार करें। मुझे अभी आजकल उन वीडियो को देखने के बाद में बहुत से सवाल आते हैं व्हाट्सएप पर, और बहुत सी कॉल आती हैं जिनका उत्तर देना मेरे लिए असंभव सा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि आज उन सब प्रश्नों के उत्तर मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। इसके दो पार्ट होंगे। पहला पार्ट होगा कि जो किसान हैं, जो हस्त बहार ले रहे हैं और उनके पेड़ों पर फूल आ रहे हैं, उनकी समस्या से अवगत कराऊंगा और उसका निराकरण भी बताऊंगा। दूसरा, जो भाई और बहनें जो घर में नींबू का पेड़ लगा रखा है, बहुत से लोग आते हैं, मेरा एक नींबू का पेड़ है, एक नींबू के पेड़ का उत्तर देने के लिए बहुत समय लगता है। अगर मैं ये देने बैठ जाऊं तो मुझे मतलब पूरा दिन लग जाएगा उस चीज़ में, जितना समय मेरे पास नहीं है। तो उन सब के प्रश्नों के उत्तर भी आज मैं दूंगा। पहला चलते हैं, ये जो मेरे पीछे एक पेड़ है, ये पेड़ कुंभकाट का है, और पिछली बार इसमें मैंने बहुत ज़्यादा कोई ऐसा कार्य नहीं किया था, लेकिन इस बार मैं इससे भरपूर फल लूँगा क्योंकि अभी मैंने इसमें खाद लगवाया है। अब इस पेड़ को ज़रा ध्यान से देखिए, आइए ज़रा कैमरा पास लाओ। इस पर ये नींबू लगे हुए हैं, देखिए, जो तोड़ने के लायक हो गए हैं। कुछ छोटे नींबू भी हैं इस पर, और इधर देखिए ये इसको कि ये हस्त बहार के नींबू भी हैं। ये देखिए, ये हस्त बहार के नींबू हैं इसमें। इस वैरायटी के मेरे पास दो पेड़ हैं और बहुत अच्छे नींबू आए हुए हैं। देखिए, हस्त बहार के नींबू हैं, ये भी छोटा नींबू है, ये देखिए ये नींबू है, और इधर भी नींबू आए हुए हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। किसान साथियों, अमेजिंग किसान चैनल जो करता है, जो उसके फार्म पर होता है, वो बताता है, ये चीज़ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। आप मेरे फार्म पर आइए और स्वयं देखिए, ये देखिए इस तरह के। मेरे पास इसकी दो वैरायटी हैं, एक वैरायटी में इस प्रकार हस्त बहार के फल नहीं है, इस वैरायटी में हस्त बहार के फल हैं, और इससे मैं इस बार पौधे बनाऊंगा। अब ये तो हुई एक समस्या कि आपके पास छोटे फल आए हुए हैं। दूसरी समस्या ये हुई कि ये देखिए अंबिया बहार के, इसमें फ्लावर खिलने, पहला फ्लावर खिल गया और ये फ्लावर आ रहे हैं, बहुत फ्लावर आ रहे हैं इस पर। मैं आपको दिखाता हूँ, कई जगह पर हैं। चलिए ये देखिए, ये शुरू हो गए हैं इसमें, क्योंकि मैंने खाद लगाकर पानी दिया, और थोड़े दिनों में ये पौधा फूलों से भर जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी हैं और ये फूल शुरू हो गए अंदर की तरफ जो है। अब यहाँ पर किसान एक दुविधा में पड़ता है। पहली दुविधा ये है कि कहते हैं कि जब फूल आ गए पानी बंद कर दो। ये बात सही भी है और ये बात गलत भी है। दूसरी बात यह होती है कि जो हस्त बहार के फल आए हुए हैं उनका क्या होगा, और तीसरी बात यह होती है कि इनमें एक मतलब आजकल जो है ना, जैसे सिलिड रोग है, एफिड है, सिट्रस सिल्ला है, इस तरह के कुछ, और एक ये हनी ड्यू वाला है, इस तरह के रोग भी आ जाते हैं क्योंकि ये मुलायम पत्तियों पर आते हैं। अब मैं एक एक बात का निवारण करूँगा। जब आपके पेड़ पर हस्त बहार के फल हों, तब आपको क्या करना है कि पानी धीरे धीरे चलाना है। पानी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब उसके मन में दो दुविधा आते हैं, कह गए अगर मैं पानी दूं तो मेरे फूल गिर जाएंगे, अगर ना दूं तो मेरे ये जो नींबू बड़े कैसे होंगे। पानी देने से जो हस्त बहार के नींबू हैं वो जल्दी बड़े होंगे, और अभी अगले दो महीने में नींबू का भाव बहुत तेज़ होगा और उससे आपकी अच्छी आमदनी प्राप्त होगी। पहला ये कंठस्थ कर लीजिए। अब पानी देंगे तो फ्लावर गिरेंगे, फ्लावर गिर सकते हैं। जो अंबिया बहार के फ्लावर आते हैं उनमें से 80-90% फूल अपने आप ही गिर जाते हैं। अगर पौधा छोटा है तो सभी फूल गिर जाएंगे। अगर पौधे में सही मात्रा में माइक्रो न्यूट्रेंट और खाद नहीं दी गई है तो सभी फूल गिर जाएंगे, लेकिन अगर संतुलित मात्रा में माइक्रो न्यूट्रेंट और खाद दी गई है तो आपके फ्लावर नहीं गिरेंगे। अब चूंकि टेम्परेचर भी बढ़ने लगा है,
आप देखिए गर्मी हो गई है, मैं भी टी शर्ट पहने खड़ा हूँ सुबह के सुबह ही, तो इस गर्मी में आपको पानी देना बहुत ही आवश्यक है। पानी दीजिए लेकिन एक कार्य कर लीजिए, अगर आपके पौधे पर फूल भी आए हुए हैं तो एक स्प्रे करिए, और वो स्प्रे देखिए मैं भी करवा रहा हूँ, ये आज मेरा सहायक है अभी स्प्रे कर रहा है, ये देखिए वो स्प्रे होगा 05234 5 ग्राम प्रति लीटर लीजिए। कंडीशन ये है कि आपके उस पर फूल खिले हुए हैं, 05234 5 ग्राम प्रति लीटर, और इसमें मिलाइए बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर, इन दोनों को मिलाकर स्प्रे कर दीजिए, ये आपके पौधों पर फूलों को गिरने से रोकेंगे। एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो फूल हैं 80% तक गिरेंगे ही गिरेंगे, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो, क्योंकि इस समय इतने फूल आते हैं कि इतने किसी भी मौसम में नहीं आते हैं। ये तो हुई आपकी बात, पानी दीजिए, पानी खूब दीजिए अच्छी तरह से, इतना भी मत दीजिए कि पानी बिल्कुल ही भरा रहे, मतलब पानी देते रहिए। और पानी देने से क्या होगा, जो ये छोटे नींबू हैं, जो छोटे नींबू हैं ये आकार में बढ़ेंगे, क्योंकि नींबू को बढ़ने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, और जब नींबू बढ़ेंगे अगले 2 माह में मिलेंगे, आपको भाव बहुत अच्छा मिलेगा और आपकी आमदनी भी होगी। ये तो हुआ इस बड़े पौधों के बारे में। किसान साथियों, इसमें एक और है कि ये जो छोटी छोटी पत्तियां हैं जो आ रही हैं, तो जैसे मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, अगर आप ध्यान से देखिए अपने बाग में प्रति 3 दिन में एक बार अवश्य जाएं, आजकल बहुत ज़रूरी है आजकल, तो अगर कोई रोग दिखाई देता है, जैसे भूरा भूरा सा रोग हो, या कोई जैसा हनी ड्यू हो, चिपचिपा सा पदार्थ हो, तो इसका अर्थ है कि आपके पौधे पर अटैक हो चुका है। उस अवस्था में आप फूलों की ज़्यादा चिंता मत करिए, डाइमेथियोट बहुत हल्की दवा है जो आती है, 2 ग्राम प्रति लीटर ले लीजिए, या प्रोफेक्ट सुपर ले लीजिए, इसको लेकर आप इसका स्प्रे कर दीजिए, आपके उनकी रोकथाम होगी, चूँकि शुरू की जितनी जल्दी करेंगे उतनी ही कम दवाई लगेगी। दूसरी चीज़, अगर आप कहते हैं जैविक करते हैं, तो बवेरिया बसियाना कोशिश करिए कि आपको लिक्विड वाला मिले, बवेरिया बसियाना 5 ml पर लीटर, और उसमें मिलाइए मेटारिजियम एनेसोपोली, इसको भी 5 ml पर लीटर मिलाइए और इनका स्प्रे करिए, और आपको इससे नहीं आएगी। अपने पास ये 3 बल्कि 4 बायो एजेंट रखिए, बवेरिया बसियाना, सुडोमोनास, वर्टिसिलियम लेकानी और मेटारिजियम एनेसोपोली। एक बार आप सुडोमोनास और बवेरिया बसियाना को करिए, सुडोमोनास एंटीबायोटिक है, ये आपके इस पर कैंकर की भी हेल्प करेगा, और जो बवेरिया बसियाना है ये फंगस है, बहुत अच्छा काम करेगा, एक बार इनको करिए, और उसके 10 दिन बाद आप मेटारिजियम एनेसोपोली और वर्टिसिलियम लेकानी को कर दीजिए, या कोई भी कम्बिनेशन बना लीजिए, सुडोमोनास, वर्टिसिलियम लेकानी, बवेरिया बसियाना, मेटारिजियम एनेसोपोली, 2-2 को कर करिए, और आपके देखेंगे पत्ते। लेकिन ध्यान ये रखना है कि प्रत्येक 15 दिन में आपको स्प्रे करना है, ये एक बहुत ही आवश्यक बात है जो जैविक में आती है। दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ कि एक इसमें नीम का तेल, और नीम के तेल में आप थोड़ा सा उसमें शैम्पू मिला लीजिए, तो 2 ml पर लीटर नीम के तेल का भी स्प्रे करिए, तो उससे भी आपके पौधे बिल्कुल सही रहेंगे। अब मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो भाई बहन घर पर नींबू के पेड़ लगाते हैं, उनके एक पेड़ है या 2 पेड़ है, उनके जो सवाल आते हैं उन सभी के उत्तर दूंगा अगली वीडियो में। मेरी एक विनती है, अक्सर मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी वीडियो देखिए, शेयर करिए, लाइक करिए, आप वीडियो को पूरी देखने के बाद ही मुझसे प्रश्न करें।